क्या मिल जाएंगे या डायरेक्ट हिट है, देखते हैं। एंड आउट का इशारा। शायद अगर बैट रखते तो बच जाते प्रवीण जी। और थ्रो भी बहुत अच्छा। फील्डर कौन थे भाई, फील्डर कौन था? फील्डर सागर शाह जी, वेल डन। मछली की आंख में नहीं पुतली में जा लगे, ऐसा निशाना हो कि निशाना कहे जिसे। इन्होंने तो गगन नारंग अभिनव बिंद्रा सब किया। तुम क्या करने आए हो यहाँ? अच्छा, नए बल्लेबाज तरंग आए हैं बैटिंग के लिए। सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने हाथ में रखना पसंद करेंगे। पहला ओवर समाप्त हो गया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद हेलो वन ओवर 10 विद द लॉस ऑफ वन विकेट। भाई के लाल बहुत बहुत आभार। तुम्हारा कुछ नेटवर्क का इश्यू है, एक बार देख लो भाई जो आपका कनेक्शन है। प्रवीण जी, लंका का विकेट गंवाया है एप्पल ने। गंवाया है इसलिए मैंने कहा क्योंकि बहुत कैजुअल नजर आए, थोड़ा गैर जिम्मेदाराना तरीके से खेला प्रवीण साहब आपने। भागे जो उनको लगा शायद वो कंफर्टेबली पहुंच जाएंगे। डायरेक्ट हिट देखिए आपको हमेशा ही मुसीबत में डालती है। और डायरेक्ट हिट हुआ, सागर शाह ने बचपन में कंचे बहुत खेले हैं। कब तक आप रोक के रखेंगे, कब तक रोकेंगे आप ऋषभ को? यही तो कॉन्फिडेंस है, यही तो बल्लेबाजी है। और जबरदस्त ये स्ट्रोक है मेस्कॉन के 6 रन्स। भाग गए 1 रन के लिए। तरंग राठौड़ आए हैं न्यू बैटर। खलबली है, भाई का इशारा अंपायर्स करते हुए। दूसरे ओवर में मैच बहुत चला है। पहले ओवर में राहुल गुप्ता ने गेंदबाजी की, थोड़े महंगे रहे। मेरे पास गेंद आएगी मैं सीधा उड़ा के फील्डर को दूंगा। तो बल्लेबाज तुम भी देख के भागना भाई। नो बॉल है। सो अगली बॉल फ्री हिट होगी। मौका फिर से है ऋषभ के पास। क्या ये जा रही है? जी नहीं। नॉट आउट दिया गया। और देखिए एक रन आउट आपने ऑलरेडी देख लिया है प्रवीण जी का। और उसके बाद आप नहीं चाहेंगे कि दोनों बल्लेबाजों में से एप्पल लाइट कोई और बल्लेबाज को इस तरीके से खोए। दोनों ही बहुत शानदार हैं। तरुण की बात करें जो स्ट्राइक पे हैं, ये बाली गांव से होते हैं, राजस्थान के। अपने गांव के लिए इंटरविलेज क्रिकेट में भी बहुत अच्छे अच्छे मैचेस इन्होंने खेले हैं। 2 ओवर कंप्लीट हुए सिंगल के साथ। फिर से तरुण के पास स्ट्राइक होगी तीसरे और पावर प्ले के सुपर ओवर के इंपॉर्टेंट ओवर में। 2 ओवर के बाद स्कोर है 22। अच्छा स्टार्ट, खुश होंगे एप्पल जिस तरीके से 2 ओवर खेले हैं, 22 रन बन गए हैं। अब इस तीसरे ओवर में जब सुमित वानीगोता के पास ये गेंद है, अब ये बैटल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सुमित ने पूरे टूर्नामेंट में इंपॉर्टेंट मोस्टली इन्होंने ये तीसरा ओवर किया है और हमेशा ही जस्टिफाई किया है। हमेशा ही इन्होंने ज्यादातर मौकों पे अच्छा ही काम किया है। लेकिन इम्तिहान बड़ा होगा, टेस्ट बड़ा होगा इस ओवर में। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद थी। सिंगल नो बॉल है। और सुमित से आप ये उम्मीदें नहीं करते। अब अगली बॉल फ्री हिट होगी। किस तरीके से इस बॉल से निपटेंगे, क्या लेंथ आने वाली है। बहुत बेहतर गेंद थी, कोशिश अच्छी थी। हालांकि फ्री हिट थी, बहुत ज्यादा कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन कोशिश अच्छी। मुकेश जी से स्टंप के पीछे, इन पे आप निगाहें रखें, ये खिलाड़ी बहुत जबरदस्त नजर आते हुए।
वेट 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 इज द कॉल. सुमित के खिलाफ भी कहां आसान रहा है बड़े स्ट्रोक्स आसानी से लगाना. बेहतर गेंद, बहुत जबरदस्त लेंथ, अच्छा कंट्रोल, अच्छे नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. आसान नहीं होता सुपर ओवर में बॉलिंग करना, वो भी जब आपके सामने दो इतने बढ़िया बल्लेबाज हो. चार गेंदें हो चुकी हैं, 2-2 go. फर्नीचर डाउन, फर्नीचर डाउन, यू मिस आई हिट. बड़ा विकेट, बड़े मौके पे बड़ा गेंदबाज दिलाता हुआ, वेल डन सुमित वानीगोता. पांच गेंदें हो चुकी, पांच गेंदों में रन तो गिने चुने आए ही, और उसके साथ साथ अगर आप देखिए पूरा ओवर ही शानदार रहा, एक बॉल बाकी है, लेकिन सबसे कीमती रही ओवर की पिछली गेंद जो एक बड़ा विकेट दिलाकर गई. लोकेश आए हैं, अब रन बने कितने हैं इस ओवर में पता लगाएंगे, हालांकि 5 रन तो माइनस कंफर्म है. टोटल रन्स बने 5, डबल होकर 10 होंगे, उसमें से 5 माइनस हो जाएगा, सो टोटल अकाउंट होगा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन, 27 आफ्टर 3 ओवर्स. वेल डन सुमित वानीगोता. सुमित ने कहा जहां फैसले बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं. सुपर, एक बार फिर से बड़े मौके पे इन्होंने दिखाया टीम को, अपने कप्तान के भरोसे पे खड़े उतरे. 27 दो ओवर में 22 रन थे, तीसरे ओवर में पीछे आ गई है, थोड़ी बैक फुट पे आ गई है एप्पल की टीम. सागर शाह के पास गेंद है, 12 गेंदें अभी भी बाकी हैं, दोनों टीमों के पास अपनी किस्मत अपने गेम को अच्छा करने का बेहतरीन ये मौका. अभी भी 12 गेंदों में मोमेंटम लौटा है एक बार फिर से, अगर आप देखिए स्पा की टीम के पास, मनोज जी की टीम के पास. नो बॉल है, आप नहीं चाहेंगे लोकेश का इस तरीके से गेंदबाजी करना उनको, क्योंकि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, वेरी डेंजरस कस्टमर इन डेप्थ ओवर्स. सूरज से आप बहुत इससे बेहतर फील्डिंग की उम्मीद लगा सकते हैं, शायद रेडी नहीं थे, फोकस नहीं थे. मौका मौका, और लोकेश को आप जानते हैं इसी तरीके की बल्लेबाजी के लिए, ऐसे समय में डेप्थ ओवर्स में स्लॉग ओवर्स में ये बहुत ही खतरनाक है. मैस्कॉन के 6 रन्स, यार इस दफा फील्डर ने कोशिश तो जरूर की लेकिन गेंद ने अपना डायरेक्शन बदला, क्योंकि जो साइड बाउंड्रीज है वहां पे टकरा के फिर गेंद गई मैस्कॉन के 4 रन्स के लिए. तेजस लगातार 2 गेंदों में अब अपनी टीम को वो रन दिलाते हुए जिसकी स्टेज में बहुत जरूरत है. कदमों का इस्तेमाल, गेंद की फिर से लेंथ तक पहुंचने की कोशिश, एक सिंगल. रनों की बात करें सो रन जा पहुंचे हैं 41, 41 रन. और विकेट मिलेगा, तरुण आउट होते हुए, तरंग राठौड़, अब आशुतोष जैन. 1-2 go. 7 गेंदे अभी भी बाकी हैं एप्पल के पास. रन अगर आप देखिए अब अंतिम ओवर में कितने बनाएंगे पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो स्पा खुश होगी क्योंकि एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है एप्पल के पास. आउट का इशारा, आशुतोष आए, आशुतोष गए, कप्तान गए बहुत सस्ते में बिना खाता खोले. अब अंतिम की 6 गेंदे एंड एप्पल लाइट ने बनाए हैं 4 ओवर्स के बाद 41. देखिए बड़े मैचेस में आप अक्सर देखते हैं बहुत ज्यादा बड़े रन्स नहीं बनते, सो एप्पल लाइट को अभी सोचना चाहिए कि अगर बहुत रन्स नहीं तो कितने तक हम चाहेंगे डिफेंड करना, क्योंकि आप अपोजिशन को भी स्पा को भी पता है कि हमको अभी चेस करना है. हमेशा ही आप कहते हैं जब आप नॉकआउट्स खेल रहे होते हैं सो उसमें जब आप चेस के लिए आते हैं कुछ एक्स्ट्रा रन जो टोटल है उसमें वो आप अपने आप ऐड कर देते हैं वो दबाव के वो प्रेशर के. 41 उतने ही है सर जितना मैंने कहा 2 बॉल पहले.
41 नो बॉल और ये खिलाड़ी इंपैक्ट क्रिएट करता हुआ तेजस से बच के रहे। जैसे ही आए थे तभी हम सबको पता था कि क्या कर सकते हैं इस स्टेज में। एंड सूरज नहीं चाहेंगे एक ऐसे वक्त में स्टेज ऐसा गेम का। ये बेहतर गेंद फ्री हिट की गेंद थी। तेजस का तेज और अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाते हुए शुरुआत जरूर ठीक ठाक हुई थी एप्पल की। दो ओवर्स में 22 आ गए थे लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो तीसरे ओवर में सुमित ने पूरी तरीके से बैकफुट पे ढकेल दिया था। सिर्फ 5 रन वो डबल हुए 10 एक विकेट उन्होंने ले लिया था बड़ा विकेट ऋषभ का। पहला कंप्लीट हुआ दूसरे के लिए जा रहे थे रन आउट होंगे वैभव तेजस आ चुके हैं स्ट्राइक पर। जरूरी तो यही है देखिए आप चाहेंगे कि अगर आप दूसरे इंड पर आउट भी होते हैं तो उससे ज्यादा जरूरी है कि तेजस स्ट्राइक पर है। रनों की बात करें तो क्या 50 हो गए या फिर जी हाँ ये एक रन भी अगर आप जोड़ दें तो चूंकि दूसरे पर आउट हुए स्कोर है 51 रन एप्पल के। गेंदे बाकी है अभी भी इस इनिंग में तीन। सो पहली इनिंग एप्पल लाइट वर्सेस स्पा के बीच ये मैच टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसीजन। तीन गेंदे भी विशेष हैं तीन गेंदे शेष हैं लेकिन ये विशेष है ये खिलाड़ी मैस्कॉन के 6 रन्स तेजस का वन मैन शो चलता हुआ। क्या एक और या इस बार पकड़ेंगे। चलिए राहुल ने बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा। राहुल ने मुश्किल कैच आसानी से पकड़ा। एप्पल लाइट वालों तेजस के लिए तालियां बजाओ आप ऐसा खेला है उन्होंने। थैंक यू एक ही बॉल बाकी है सर। अंपायर लास्ट बॉल ना सर। ओके अच्छी फील्डिंग मनोज जी से कंप्लीट हुए दूसरे के लिए जा रहे हैं शायद आउट होंगे। जी हाँ सो एप्पल लाइट ने पहले इनिंग के कंप्लीशन के बाद जो टोटल रन्स बनाए हैं वो हो चुके हैं पहुंचकर 58 का टारगेट। सागर शाह जी खुश हैं जिस तरीके से बॉलिंग की टीम ने जो हिसाब से बॉलिंग का है परफॉर्मेंस ये मैच हम आगे जाने वाले हैं देखते हैं 58 बने 59 का टारगेट होगा। और कौन बेहतर खेला है गोल्ड मेडल से संकेत भाई से सवाल पूछे किसने पहले इनिंग में बेहतर क्रिकेट खेला है एप्पल लाइट या तो इस्पा सर कौन आपको बेहतर लगी। दोनों टीम बेहतर खेली है और दोनों ने अपना 100% दिया यहाँ पे। मुझे लगता है ये भी मैच जो लास्ट मैच हुआ था उस तरह टफ होगी बट मे बी एप्पल लाइट विन दिस मैच चांस ज़्यादा है। देखते हैं एप्पल लाइट्स को अभी भी उम्मीदें ज़्यादा लग रही हैं अगर ऐसा लोग कह रहे हैं। 58 बने हैं 59 का होगा टारगेट। स्पा भी खुश होगी क्योंकि स्पा को पता है कि एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के खिलाफ हमने गेंदबाजी की है। हमने शुरुआत के दो ओवर में 22 रन दे दिए थे उसके बाद 58 है टोटल 59 रन तो बन जाने चाहिए और मजा करो हमारा। तो देखते हैं 59 का टारगेट है। मनोज जी एक तरफ आते हुए हाँ मनोज भाई आइए ये बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत फनी है सर कैमरे का हाँ। एक से बड़े प्लेयर देखो चश्मा पहन के हमारा चश्मा निकलने वाला ये बहुत ही फन लविंग है कैप्टन मनोज जी। अब देखते हैं 59 का टारगेट है कौन आता है मनोज जी के साथ गेंदबाजी की शुरुआत एप्पल किससे करती है। बॉलिंग इनकी ऑल स्ट्रांग है बैटिंग में तो डेप्थ था ही हमने देखा कि विकेट गंवाते रहे लेकिन एक एंड से तेजस ने हमला वो बोलते रहे। तीसरे ओवर की हम बार बार बात करते हैं जो बहुत ही इंपैक्ट क्रिएट करता हुआ नजर आया अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। उस ओवर में सुमित वानी गोता ने टीम को बहुत जबरदस्त वापसी दिलाई थी पूरा ओवर शानदार था। ऋषभ का विकेट 5वीं गेंद पे वो गेंद इतनी कीमती थी बहुत कुछ अच्छा एक्शन है एंटरटेनमेंट और देखिए यही होता है जब टूर्नामेंट अपने फाइनल पड़ाव की तरफ आता है तो वहां पे जो क्रिकेट का लेवल है वो बढ़ जाता है।
जो रोमांच है वो बढ़ जाता है, एक्शन बढ़ जाते हैं, थ्रिल्स बढ़ जाते हैं, सस्पेंस ज्यादा हो जाता है। अब ये दें 30-59 का टारगेट, किसको मिलेगा जीत का सम्मान, ये बताने के लिए माइक्रोफोन पे आ रहे हैं अरमान। थैंक यू आलोक। 58 बने और 59 का लक्ष्य है यहां पर जीत के लिए। मुझे कमेंट्री बॉक्स में राहुल भी ज्वाइन कर रहे हैं यहां पर। गोल्ड मेडल कप 2023 क्वालिफायर का है ये मैच। कौन सी टीम इन दोनों में से सेमीज में प्रवेश करेगी? इससे पहले तीन टीमें सेमीज में प्रवेश कर चुकी हैं। एक है रडार राइडर्स, दूसरी है रियॉन रेड रेंजर्स, इससे पहले हमने देखा मोट लाइट्स की टीम ने सेमीज में अपनी जगह कंफर्म कर ली, और अब देखना है इन दोनों में से कौन सी टीम पहुंचेगी सेमीज में। बिल्कुल सही फरमाया अरमान आपने, और ये मैं बार बार बात करते आ रहा हूं कि हर गेंद पे ना एक इवेंट हो रहा है। वैभव इस बीच बढ़िया खेले। अरमान क्या लगता है आपको आज ये रोमांच कितना और चरम पे जाने वाला है? 59 का लक्ष्य स्पा के लिए पृथ्वी मेहता, मनोज जी ये दो ओपनर्स आए हैं, और धीमी अंदाज में सिंगल लेकर अपने अकाउंट को ओपन किया पृथ्वी ने। मैस्कॉन का सिक्सर जबरदस्त। टीम ओनर मनोज भाई मेहता, उनके बैच से आता हुआ तीसरी ही गेंद पर सिक्सर, उसके बाद ये सिंगल भी। चार गेंदों में 8 रन बना लिए टीम स्पा ने। तो जो शुरुआत चाहते थे यहां पे मिली है। इसी बीच हमने दर्शकों को भी थोड़ा खुशखबरी बता दूं कि विराट कोहली ने एक और सेंचुरी मार दी है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मुकाबले के बीच। जबरदस्त वापसी करी है विराट ने, और वैसी वापसी करना चाहेंगे यहां पे बल्लेबाज। क्यों अरमान? निश्चित ही चेज करते हुए उसी अंदाज में खेलना चाहेंगे। यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और तुरंत उसका फायदा उठाया दोनों बैटर्स ने, सिंगल के लिए निकल गए, और इस सिंगल के साथ ओवर भी पहला समाप्त हो गया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10 रन बगैर कोई नुकसान। सर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो अगला मुकाबला है, जो टीमें हैं जो रेस्ट कर रही हैं, प्लीज आप ग्राउंड पे आ जाएं, क्योंकि इसके बाद जल्दी मुकाबला शुरू होना है। इसके बाद 2 सेमी और 1 फाइनल का मैच बाकी है। सो कमिटी एक बार कंफर्म करे कि कोई ब्रेक है या फिर हम कंटिन्यू रखेंगे सेमीज का मैच। विशाल भाई, सर जो मुकाबला है वो मॉड लाइट वर्सेस रेड रियोन रेंजर्स के बीच खेला जाएगा, तो प्लीज समय पे आप आ जाएं। जी अरमान सर, मैचेस सभी कंटिन्यू होंगे, सो जो सभी टीमें हैं कैप्टन्स हैं, आप सब रेडी रहेंगे प्लीज। रियोन रेड रेंजर्स के कैप्टन और मॉड लाइट के कैप्टन टॉस के लिए। पर सफलता दिलाई और अब आए हैं राहुल गुप्ता। इसके बाद पहला सेमीफाइनल मोल्ट लाइट्स वर्सेस रियोन रेड रेंजर्स के दरमियान खेला जाना है। और सर अगर इस पारी की हम बात करें तो ये खिलाड़ी जो राहुल गुप्ता है, मुझे ऐसा लगता है कि रडार में होंगे गेंदबाजों के, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन बल्लेबाज अभी तक इस टीम के नजर आए हैं। निश्चित ही जिस तरह से इन्होंने पिछले मैच में बल्लेबाजी की थी उनसे बहुत उम्मीदें हैं। यहां पर पृथ्वी के बैट से निकलता हुआ ये मैस्कॉन का मच नीडेड सिक्सर। अगला गेंद ये उस गांव है विरार के पास में, और नाम पृथ्वी है, गेंद मार रहे हैं आकाश में। ये अलग ही लेवल की क्रिकेट चल रही है इस समय। अच्छी वापसी तरुण के द्वारा, एक सिक्सर जरूर आया था तीसरी गेंद पर, लेकिन उसके बाद डॉट गेंदें 2 लगातार। लास्ट बॉल टू गो, क्या जाएंगे रन के लिए? जी हाँ, मुझे तो लग रहा था शायद राहुल स्ट्राइक लेना चाहेंगे, लेकिन ये 9 गेंद है सो इसका बेनिफिट मिल जाएगा राहुल को। फ्री हिट का भी इशारा अंपायर के द्वारा, 9+1 पिछली गेंद। और अभी राहुल देखते हैं इस फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं। जो चल रहा है वो बहुत शानदार है, जानदार है,
और फ्री हिट का फायदा उठाने का प्रयास वहां पे और सिंगल ही आएगा। अरमान सर फिर से ये नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, एक और गेंद नो बॉल, एक और फ्री हिट। इस बार फ्री हिट की गेंद को फेस करने के लिए पृथ्वी है स्ट्राइकिंग एंड पर। कैच आउट का खतरा है नहीं क्योंकि ये फ्री हिट गेंद है, रन आउट जरूर हो सकते हैं और रन आउट के जरिए ये विकेट, बहुत बड़ी मैदा विकेट। दो ओवर समाप्त हो गए, दो ओवर के बाद स्कोर है 21 और अब ये पावर ओवर। जी हाँ सर, मैं हमेशा कहता हूं कि एक क्लाइमैक्स ओवर डिसाइड करता है कि मुकाबला किस तरफ जाएगा और स्कोर जैसे सर अभी आपने बताया स्कोर हुआ है 21 और टारगेट भी उतना बड़ा नहीं है तो कहीं ना कहीं इस ओवर में कैपिटलाइज। दो बॉल डॉट हुई थी सर सिक्सर के बाद, सो ओवर कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ राहुल और गेंदबाजी करेंगे आदि। पावर ओवर, बहुत जोर से खेली गई शॉट और सिंगल यहां पे आ जाएगा। इसी बीच सिंगल मिला राहुल के द्वारा। पावर ओवर, दबाव निश्चित ही दोनों ही टीमों के ऊपर होगा। पृथ्वी थोड़े से नाराज हुए थे जिस अंदाज में वो आउट हुए। नए बैटर, पावर ओवर की पहली गेंद, मौका बन गया था लेकिन वैभव के हाथों से गेंद निकलती हुई। सर एक्चुअली दूसरे फील्डर के कैच को लपकने गए फील्डर, शायद इसी वजह से जो मौका वहां पे बन सकता था या बन गया था वो एग्जीक्यूट हो नहीं पाया। फिर से राहुल गुप्ता कैसी बल्लेबाजी करेंगे, लेट्स सी। अगला गेंद गई 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 हाथों में गई, -5 को गई। डीजे में आदि ने एक मर्तबा फिर से अपना जलवा दिखाया। ये विकेट मिलता हुआ आदि को इस पावर ओवर में और वो भी बड़ा विकेट। राहुल का विकेट लेने में कामयाब हुए आदि वहां पर। सर क्या लगता है आपको, क्या ये ट्विस्ट आ सकता है मुकाबले में? ट्विस्ट नहीं, अब तो मुझे लग रहा है कि मैच में पूरी तरह से आगे निकल रही है धीरे धीरे एप्पल लाइट की टीम, क्योंकि जिस अंदाज में पिछले मैचेस में राहुल गुप्ता ने अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए अहम पारियां खेली हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इस मैच में भी, लेकिन इस मैच में निराश किया राहुल ने। देखिए क्रिकेट ऐसा ही खेल है, ये बड़ा ही दयनीय खेल है, ये आपको कभी अर्श पे तो कभी फर्श पे लेके आता है। प्रवीण रांका फिटनेस देखिए आप इस खिलाड़ी की, वन अटेम्प्ट में उस गेंद को फील्ड किया और वापस लौटाया कीपर के पास, रन की कोई गुंजाइश नहीं। सिंगल सॉरी सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि वापसी एपलाइट ने यहां पे किया। स्कोर बताएंगे सर, 3 ओवर कंप्लीट हुए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन। जीत के लिए 59 का टारगेट था और 3 ओवर में केवल अब तक बने हैं 24 रन्स। नेक्स्ट मैच मोड लाइट्स और रियोन रेड रेंजर्स के बीच में है, कैप्टन्स रेडी रहे, जैसे ही मैच कंप्लीट होगा तुरंत टॉस करेंगे और तुरंत मैच की शुरुआत होगी। बिल्कुल, तो अब यहां पे बहुत बड़ा ये ओवर रहेगा। आई थिंक जो क्लाइमैक्स ओवर था उसने तो डिसाइड कर ही लिया, थोड़ा सा मुकाबले को और रोमांचक बना लिया। अब 12 गेंदें और अगर आप 5 छक्के लगाने में कामयाब रहते हैं 12 गेंदों में, जो कि सिंपल सी इक्वेशन है, वो आपके लिए मुकाबले में आगे हेल्प करने वाली। आसान होगा नहीं बल्लेबाजों के लिए,
12 पे 35 की जरूरत थी, पहली गेंद पर आया सिंगल। बिल्कुल 11 गेंदें बची हैं सर। ड्राइविंग सीट पर नजर आते हुए इस समय एप्पल लाइट की टीम इस पूरी पारी में एकमात्र सिक्सर पृथ्वी ने लगाया और एक ही सिक्सर मनोज जी के बैट से आया था। शुरुआत ठीक ठाक रही थी और यहां पर जबरदस्त कैच, लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर ने दिया है। जी हाँ, यानी ये नो बॉल है तो फिर थोड़ा सा फायदा मिलेगा बल्लेबाज को। जी अरमान सर, नो बॉल पर दौड़कर दो रन पूरा किया दोनों बैटर्स ने। अब जो इक्वेशन है वो है 10 गेंदों में 30 रन का, हालांकि अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर कुछ सिक्सर्स यहां से लगते हैं, ये फ्री हिट गेंद भी है, 10 बॉल में 30 रन चाहिए। स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आते हुए हमें मुकेश, 10 बॉल 30 की जरूरत। और क्या क्या ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हां, मुकेश जी के बैट से निकलता हुआ ये मैस्कॉन सिक्सर। स्ट्राइकिंग एंड पर अब 8 बॉल 9 बॉल में 24 चाहिए और एक और मैस्कॉन सिक्सर। अब गेंदें बची हैं 8 बॉल में चाहिए 18 रन, 8 पे 18। इतने जल्द ही मैं कैसे हार मान लूं, वक्त अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। मुकेश भाई लड़ते हुए एक एंड से, क्या बात है। मुझे तो ऐसा लगा कि राहुल के आउट होने के बाद स्पा की जो उम्मीदें हैं जीत की तरफ आगे बढ़ने की वो पूरी तरह से धूमिल हो गई है, लेकिन ना एक मर्तबा फिर से मुकेश बताते हुए कि ये टीम गेम है, अगर एक बल्लेबाज नहीं चला तो क्या हुआ। हर एक व्यक्ति, हर एक खिलाड़ी अपने आप में ये क्षमता रखता है, काबिलियत रखता है कि वो टीम को जीत दिलाए। अब 8 पे चाहिए 18। बिल्कुल ये टीम स्पिरिट है, ये कभी हार न मानने का जज्बा है। ये शानदार सिंगल यहाँ पे आता हुआ, यानी सर 7 गेंदों पे 17 की जरूरत, 7 पे 17। देखते हैं किस टीम पे मंडराता है खतरा। ये गेंद ये गई है, ये किधर गई है, ये सिंगल को गई है। जी अरमान सर, आखिरी गेंद पर सिंगल आया, 6 पे 16 चाहिए था। सेम इक्वेशन हमने पिछले मैच में भी देखा क्वालिफायर 1 में, जब 6 पे 16 चेस कर रही थी रेंज लाइट वॉरियर्स, तब नतीजा क्या आया हम सभी ने देखा। अब देखते हैं जब 6 पे 16 चाहिए तो इस मैच का नतीजा कौन सी टीम के फेवर में जाता है। बिल्कुल 6 गेंदें, रन चाहिए 16, भैया गेंद को बनाना पड़ेगा बम का गोला, तब जाके आप ये मुकाबला जीत पाएंगे। कितने लोगों को ग्राउंड पे लगता है कि स्पा चेस कर सकती है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक स्पा चेस करती है 6 पे 16? छह पे 16, ये विकेट 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 डीजे। थैंक यू डीजे, थैंक यू। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सुमित वानीगोता साहब बिलीव करते हैं कि कर्म ना करो कांड करो दुनिया याद रखेगी। 5 पे 16 सुमित का विकेट। ओवर टू यू अरमान एंड राहुल। सूरज आए हैं न्यू बैटर, 5 गेंदें 16 की है जरूरत। आशुतोष ने पहली गेंद पर इस ओवर में सफलता दिलाई और अब नए बैटर के लिए आते ही साथ जाना होगा बड़े स्ट्रोक की तरफ। गोल्ड मेडल कप 2023, मुकेश आएंगे स्ट्राइकिंग एंड पर। इन्होंने पिछले ओवर में 2 सिक्सर्स बेहतरीन अंदाज से लगाए थे। अब गेंदें बची हैं 4 और 4 गेंदों में 15 रन चाहिए। ये लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। पैरों के बीच में यह बेहतरीन गेंद है, यॉकलैंड पर गेंद को डिलीवर किया, कोई मौका नहीं रन्स लेने का।
अच्छी फील्डिंग है डीप में और एक से ही संतोष करना पड़ जाएगा। सो अब केवल दो गेंदें ही शेष रह गई हैं और दो गेंदों में चाहिए 13 रन। एप्पल लाइट अपने जीत से अब केवल एक गेंद है दूर, एक गेंद दूर है और बड़ी राहत मिली होगी उनको, चूंकि आप देखिए कि परेशानियां पेश करके रखी तिस्पा की टीम ने उनको इस गेंद की पहली गेंद तक। स्पा ने मैच जरूर हारा है, लेकिन मैं चाहता हूं मुकेश जैन साहब के लिए क्या एक बार हम सब जोरदार तालियां बजा सकते हैं मुकेश जी के लिए। वेरी वेल प्लेड मुकेश भाई, सुपर, वेल डन।